क्या आपको पता है कि आप सब्जी की खेती करके भी अमीर बन सकते हैं? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं पांच ऐसे मॉडर्न सब्जी की खेती जो आपको अमीर बना सकती है। आजकल बहुत सारे किसान इतने बढ़िया सब्जी की खेती कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न टेक्निक से जो नए अलग तरह के जो फार्मिंग की आ रही है, सब्जी की विधि जो हाइब्रिड सब्जी आया है, इस वजह से आप इस सब्जी को उगा कर आप यहाँ से काफी मुनाफा कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है नीरज कुमार, आप देख रहे हैं किसान हाई पावर, और चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला खेती है चेरी टोमेटो की खेती। आजकल के दौर में ये काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है। बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ खेती को अपनाकर यहाँ से काफ़ी मुनाफा ले रहे हैं। ये एक टोमेटो का ही वैरायटी है जिसको चेरी टोमेटो बोला जाता है और इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी काफ़ी पॉपुलर है। अगर बात करें इसकी खेती कैसे होती है, तो ये टोमेटो की खेती जो नॉर्मल टोमेटो हमारे इंडिया में उपजाया जाता है, सेम टू सेम इस टोमेटो की खेती भी सेम टू सेम वैसे ही होता है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल बातें हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत काफ़ी महंगा मिलता है तो लोग इसमें ज़्यादातर फर्टिलाइज़र और अच्छे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा से अच्छा आए। और बात करें प्रोडक्शन और अच्छा से अच्छा है, साथ ही साथ इसको जैसे नॉर्मल खेती होता है कि पौधे को लगा देना, उसके बाद एक समय के बाद जब बढ़ना, फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, फिर स्प्रे करना कि सो दैट उसमें कोई भी अलग तरह के कीटनाशक उसको हानि न पहुंचाए, तो ये सारा चीज़ों का ख्याल आपको करना पड़ेगा। और जैसे जैसे पौधा ग्रो होते जाता है आप उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और आजकल के समय में, अभी के समय में चेरी टोमेटो को बहुत अलग अलग वैराइटीज में इस्तेमाल होता है। जैसे नॉर्मल टोमेटो लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितने चीज़ों में इस्तेमाल होता है चेरी टोमेटो का भी कुछ वैसे ही है। बस फर्क ये है कि ये काफ़ी टेस्टी होता है और काफ़ी बढ़िया होने की वजह से ये काफ़ी महंगा भी बिकता है। रेस्टोरेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, लोग सैलड बना के इसका खाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में इसकी काफ़ी डिमांड है और काफ़ी महंगा होने के कारण आप यहाँ से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बात करें अगर आप इसका खेती करना चाहते हैं तो हो सकता है कि जैसे इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर है, तो अगर इस खेती के लिए बात करें चेरी टोमेटो की, तो अच्छा फसल उपजाने के लिए तकरीबन 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कहीं ना कहीं ये बरसात या फिर ठंडी का मौसम है। लेकिन अगर बात करें जगह ज़्यादा बरसात होता है तो ये फसल का अच्छा उपज नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश करें अगर ज़्यादा बारिश हो तो ऊपर से अगर ढकने के पास आपके पास अच्छा कोई उपाय है तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर की बात करें तो ठंडा के समय में काफ़ी अच्छा होगा। और इंडिया में बात करें तो 1 kg चेरी टोमेटो का दाम तकरीबन 100 से 150 रुपया है और मात्र 2 महीने के आसपास में ये फसल पक के तैयार हो जाता है तोड़ने के लिए। दूसरे नंबर पे हम आपके लिए लेकर आए हैं जुकनी की खेती। ये खीरे जैसा दिखने वाला सब्जी जो काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है, और बात करें इसकी इंटरनेशनल बाज़ार में तो काफ़ी महंगा है क्योंकि इसकी गुणवत्ता काफ़ी बढ़िया होती है। ये नॉर्मल खीरे जैसा ही होता है जिसमें पानी की कम लागत चाहिए होती है इसको उपजाने के लिए, लेकिन पानी चाहिए ही चाहिए और नॉर्मल आपको छिड़काव करना पड़ेगा कीटनाशक का। बात करें इसमें क्या क्या इस्तेमाल होते थे, लोग बड़े बड़े जगहों पर होटल्स में पार्टीज़ में बड़े जब भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पे लोग सैलेड के रूप में जुकनी का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खीरे जैसा ही दिखता है लेकिन खीरा नहीं है, और इसमें गुणवत्ता इतनी बढ़िया होती है, इतना अच्छा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान इसमें इंटरेस्ट लेके इस खेती को कर रहे हैं। और बात करें अगर आप करना चाहते तो क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें तो जुकनी की खेती के लिए आपके पास अनुकूल टेम्परेचर कम से कम 15 से 25, ये टेम्परेचर रेंज आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सीजनल टाइम में जब ठंडे के समय आता है, बरसात के समय आता है, जहाँ पे पानी कम होती है वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें रेट की, तो इंडिया में तकरीबन 1 किलो जुकनी का रेट है 80 से 120 रुपए के आसपास, और हार्वेस्टिंग की बात करें तो मात्र 2 महीने में जुकनी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो काफ़ी बढ़िया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। चलिए अगले खेती की तरफ बढ़ते हैं। मांसाहारी में मछली और चिकन, शाकाहारी में पनीर और मशरूम को छोड़कर अगर कुछ फेमस है इंडिया में तो है बेबी कॉर्न। तो चलिए साथियों तीसरे नंबर पे हम खेती की बात करते हैं, बेबी कॉर्न की खेती। एक मक्के का ही एक दूसरा वैरायटी होता है जो अभी हाइब्रिड आने की वजह से काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है और बड़े शहरों में खासकर बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता शहरों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि वहाँ के रेस्टोरेंट्स में अगर कोई शाकाहारी खाना खाने जाता है तो अगर कुछ उसको नया चाहिए होता है पनीर और मशरूम के अलावा, तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग बेबी कॉर्न खेती की तरफ या फिर बेबी कॉर्न से जो बने हुए रेसिपी है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं।
तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसकी जो फार्मिंग होती है ये बिल्कुल मक्के की फार्मिंग की ही जैसे होती है, लेकिन जो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी सेम टू सेम जैसे मक्के की फार्मिंग होती है बिल्कुल इसका भी वैसे ही फार्मिंग होता है। और ख़ास बात यह है कि जो मक्के में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन क्योंकि ये कच्चे में ही बेबी कॉर्न को तोड़ दिया जाता है, काट मतलब उसका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग टाइम है कहीं ना कहीं 40 से 50 दिन में आप यहाँ से फसल ले सकते हैं। अब बात करें कि कौन सा टेम्परेचर सबसे अनुकूल होता है, तो हिंदुस्तान में, इंडिया में जैसे मिट्टी है, जैसे इस हिसाब से तकरीबन 15 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है काफ़ी बढ़िया है बेबी कॉर्न फार्मिंग के लिए। साथ ही साथ अगर आप इसको किचन गार्डन में ट्राई करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर खेती करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। आप इसको और जानकारी लेके आप मक्के की खेती कर सकते हैं, बेबी कॉर्न का खेती करके आप यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। बात करें इसके रेट की इंडियन मार्केट में, तो एक किलो बेबी कॉर्न का रेट तकरीबन 100 से 150 रुपया के आसपास इंडिया में बिकता है, और मात्र जैसा कि मैंने बताया कि 40 से 50 दिन में आप यहाँ से फसल प्राप्त कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हम आपके लिए लेकर आए हैं बकचोई की खेती। ये देखने में बिल्कुल पत्ते गोभी के आकार का ही होता है, कुछ लोग इसे चाइनीज गोभी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका पहला बार जो प्रोडक्शन है चाइना में ही हुआ था। बात करें और भी चीज़ों की, अगर फार्मिंग करना चाहते हैं, ये पत्ते गोभी के जैसा ही इसका भी फार्मिंग होता है, लेकिन जो मेन चीज़ है इसमें इसकी गुणवत्ता, गुणवत्ता की वजह से कुछ लोग जैसे अगर पालक में बात खाते हैं या साग सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पत्ते वाले सब्जी में सबसे आगे और कोई सब्जी है तो ये है बकचोई, क्योंकि इसमें गुणवत्ता होते बाकी सारे सब्जियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस से अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, साग सब्जी में अगर उनको कुछ पसंद आता है तो बकचोई की ही वो सब्जी होती है। अगर आप इसकी फार्मिंग की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 15 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर है काफ़ी बढ़िया होता है फार्मिंग के लिए। और अगर रेट की बात करें, जब आपका प्रोडक्शन हो जाएगा तो इंडियन मार्केट में एक केजी बकचोई का दाम है तकरीबन 80 से 120 रुपया, और मात्र 40 से 50 दिन में आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, तो काफ़ी बढ़िया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किचन गार्डन के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब अगले और लास्ट खेती की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवें नंबर पर सब्जी की खेती के रूप में आप ब्रोकली का खेती कर सकते हैं। आजकल इंडिया में जो लोग, वैसे किसान जो गोभी की खेती करते हैं या उनके एरिया में गोभी होता है, वो ब्रोकली के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपको ब्रोकली गोभी का एक अल्टरनेट है और आपको काफ़ी मुनाफा दे सकता है। अगर बात करें मार्केट वैल्यू की, तो सबसे जो इसकी विशेषता की बात करें तो आजकल बहुत सारे लोग जो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोरोना की वजह से सारे लोग अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने लगे, तो ये सब चीज़ों के को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात करें तो ब्रोकली में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स ये सब होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग सब्जी के रूप में ब्रोकली को लेना पसंद करते हैं। बात करें इसके कितने सारे वेराइटीज़ अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, तो 3 से 4 वेराइटीज़ में ज़्यादातर ब्रोकली अवेलेबल है, उसमें से जो ग्रीन वाला वेराइटी है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसा फसल अपने खेतों में उपजाना चाहते हैं जो आपको ज़्यादा मुनाफा दे सके, चाहे छोटे बागवानी से हो, बड़े प्लॉट तक हो, तो आप ब्रोकली के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें इसकी मेन खासियत के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ अलग अलग रेसिपी में इसका इस्तेमाल होता है। अगर टेम्परेचर की बात करें ब्रोकली, मतलब कौन सा बेस्ट टेम्परेचर होता है जिस जहाँ पे ब्रोकली का खेती अच्छे से हो सकता है और टेम्परेचर में उत्पादन ज़्यादा होता है, साथ ही साथ ब्रोकली की गुणवत्ता अच्छा हो, तो जो मेन टेम्परेचर ब्रैकेट है, जो रेंज है तकरीबन 15 से 25-28 डिग्री का टेम्परेचर रेंज है, जो काफ़ी ज़्यादातर लोग जगहों पे हो सकता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस हो गया या इस तरह का कुछ, तो आप ब्रोकली का सालों भर खेती कर सकते हैं। अगर बात करें जब फसल तैयार हो जाए तो मार्केट में आप कितना बेच सकते हैं, अगर लोकल मार्केट हो या बड़े वाले बाजार हो, तो एवरेज जो 50 से 100 रुपए के आसपास तक 1 kg ब्रोकली का रेट होता है अलग अलग बाजार और अलग अलग लोकेशन पे। और ये जो फसल है तकरीबन 3 महीने के आसपास में रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक बढ़िया सा फसल हो, आप बढ़िया सा कुछ ट्राई करना चाहते हैं, खेती करके अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, तो ब्रोकली आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है और मेरा ये फेवरेट है।
आशा करता हूँ ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ जो बताए गए 5 सब्जी की खेती था वो आप सोच पा रहे होंगे कि आपके एरिया में कौन से सब्जी की खेती अच्छे से हो सकती है और आप यहाँ से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बाकी इनमें से किसी भी सब्जी के बीज अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो उसका मैं ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहां से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी किसान भाइयों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ मैं इसी तरह के वीडियो इसी चैनल पे लाते रहता हूँ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।